आज घटती जा रही है महोदय, खास करके दलित और अपियती समाज के बच्चे, आज 5% बच्चे स्कूल से बाहर है महोदय, इनका क्या होगा महोदय? मैं महोदय स्कूल का बिल्डिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको सच सहन करने की शक्ति नहीं है महोदय। जब इनको सच्चाई दिखाई जाती है तो इनके चेहरे का काला करोटा इनके सामने आ जाता है। आईना को तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं बनेगा, अपने चेहरे को ठीक करने का काम कीजिए। विषयवार महोदय, इन्होंने गाल थपथपाया अपना कि मैंने स्कूलों का समय पे बीज मिलता है ना, खाद मिलता है ना, समय पे उनका अनाज खरीदा जाता है। सरकार कहती है कि धान हम 1750 रुपए प्रति क्विंटल लेंगे, लेकिन आप बिहार के किसी कोने में चले जाए आपको 1300-1350 में धान बिकता हर हाट में दिखता होगा। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार चाहती है कि बिचौलियों का तरक्की हो, किसानों का तरक्की ना हो। सर घटती जा रही है महोदय, खास करके दलित और अपियती समाज के बच्चे, आज 5% बच्चे स्कूल से बाहर है महोदय, इनका क्या होगा महोदय? मैं महोदय स्कूल का बिल्डिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको सच सहन करने की शक्ति नहीं है महोदय। जब इनको सच्चाई दिखाई जाती है तो इनके चेहरे का काला करोटा इनके सामने आ जाता है। आईना को तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं बनेगा, अपने चेहरे को ठीक करने का काम कीजिए। विषयवार महोदय, इन्होंने गाल थपथपाया अपना कि मैंने स्कूलों को अपग्रेड किया, प्राइमरी को मिडिल स्कूल बनाया। जो हमारी पैक्स है, कई पैक्स ऐसी हैं जो धान अभी खरीदना ही नहीं शुरू किया है, ना ही उस पे सरकार के तरफ से कोई दबाव है। मैं चाहता हूं कि उसी तरह जिस तरह से MSP धान और मकई में है, हमारे तरफ चाय और पटुआ की खेती होती है, उसमें भी MSP लागू होना चाहिए ताकि किसानों का सम्मान बचा रहे। रोड मैप के तहत मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ।